आज मुंगावली एवं फोलारस विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के लिए क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया एवं सुरेश पचौरी आदि गुना हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन रखा। इस पत्रकार वार्ता में सर्वप्रथम संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में सभी नेताओं ने संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात पत्रकार वार्ता शुरू हुई, लेकिन इस पत्रकार वार्ता में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह पत्रकार वार्ता हो। यहाँ ऐसा लग रहा था मानो सभी नेताओं ने पत्रकारों को सिर्फ अपनी बातें कहने के लिए ही पत्रकार वार्ता का आयोजन रखा हो, और इन सभी ने बारी बारी प्रदेश सरकार के ऊपर भारी कटाक्ष भी किए। वहीं सभी ने एक सुर होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 14 साल के शासन को भी बहुत नकारा। लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने इन सभी नेताओं से बात करने की कोशिश की और सवाल पूछे, तो वे वहां से उठकर चल दिए और कोलारस के लिए प्रस्थान कर गए। जो कोलारस और बंगाली के उपचुनाव के लिए, ये एक साधारण उपचुनाव नहीं है। ये दोनों चुनाव पूरे प्रदेश को संदेश देंगे। पिछले 15 साल 14.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किस प्रकार का धोखा और किस प्रकार की कलाकारी का प्रशासन क्या चला है। आज हर वर्ग परेशान है। हम नौजवानों के का भविष्य की ओर देखें, हम किसानों की समस्या देखें, हम व्यापारियों की समस्या देखें। आज एक बात स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बदलाव के लिए तय किया है, और चित्रकूट के बाद ये दो उपचुनाव जो है, ये मध्य प्रदेश के आम मतदाता की भावना को व्यक्त करेंगे। हमारे भूरिया जी, अरुण यादव जी, पचौरी जी, हम सब लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज नामांकन है कोलारस और मुंगावली का। ये दोनों चुनाव स्पष्ट करने वाली हैं, जिस तरीके से अटेर के चुनाव ने स्पष्ट किया था, चित्रकूट के चुनाव ने स्पष्ट किया था, और अभी हाल में हुई हुई नगर पंचायत नगर निकाय के चुनाव ने स्पष्ट किया था कि मध्य प्रदेश में ये आज स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा की विदाई आने वाले 8 महीने के अंदर स्पष्ट हो चुकी है। जिस तरीके से, जैसे आज अभी कमलनाथ जी ने कहा, प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता आज पूरी तरह से त्रस्त है। नौजवान बेरोजगार है, किसान पस्त है। जो सरकार महिला को सुरक्षित वातावरण तैनात नहीं कर पाती, 14 साल बाद उस सरकार को कोलारस और मुंगावली की याद आई है, और एक एक मंत्री संतरी तंत्री मुख्यमंत्री कोलारस और मुंगावली में दस्तक देने के लिए आज आए हैं अतिथि के रूप में। तो हमारी और आपकी जो एक परंपरा है, ये क्षेत्र में अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, पर ठीक समय में अतिथियों की विदाई भी की जाती है। मुझे विश्वास है कि ये दोनों क्षेत्र की जनता, जैसे मध्य प्रदेश की जनता भाजपा की विदाई के लिए उत्सुक है, वैसे ही इन दोनों क्षेत्रों में भी इन दोनों क्षेत्र की जनता भी भाजपा की विदाई पूरी तरह से सुनिश्चित करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। 24 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जितना भी ये लोग कोशिश करें प्रलोभन देने के लिए, धमकी देने के लिए, इस क्षेत्र की जनता और मध्य प्रदेश की जनता ना कभी भी धमकी में आई है, ना कभी प्रलोभन में आई है। जो विकास और प्रगति इन्होंने 14 साल में एक कील भी इस क्षेत्र में नहीं ठोका है, एक खरंजा भी नहीं लगाया है, आज विकास और प्रगति की झूठी घोषणाओं का अंबार का पुलंदा लगाने के लिए एक एक मंत्री और संतरी पिछले 3-3.5 महीनों से कोलारस और मुंगावली में डटा हुआ है। प्रदेश का एक एक कैबिनेट मंत्री पहुंच चुका है। काश ये लोग 14 साल पहले जागे होते
तो शायद जनता का कुछ लाभ हुआ होता। मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों क्षेत्रों में कांग्रेस का परचम केवल नहीं लेकिन मध्य प्रदेश की जनता का परचम 28 तारीख को पूरी तरह से लहराएगा 24 तारीख के मतदान के बाद। आप देश में मध्य प्रदेश में 15 साल से और केंद्र की सरकार भी जो 3 साल से लगी हुई 4 साल से इन लोगों ने जो वादे किए थे, बताया जाता है यहाँ शिवराज सरकार ने 12,000 वादे किए हैं, घोषणाएं की हैं जिसका कोई अता पता नहीं है। और केंद्र की सरकार में भी जो एनडीए की सरकार आई उसमें नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो वादे किए थे फिर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सब चुनावी जुमले थे। तो ये जुमलेबाजों से ये प्रदेश की जनता जो है पूरी वाकिफ हो गई है। और हमारे दोनों लीडर ने जैसे आपके बताया प्रदेश की और यहाँ की जो मुंगावली और कोलरस की जनता है उनको नकारने जा रही है। चित्रकूट और नगर निकाय के चुनाव में वहाँ जो है उन्होंने अटैक भी की, आगे जो जितने भी चुनाव हुए इसमें भी जो है प्रजा ने इनको नकार दिया है और ये दोनों में भी उनको नकार देंगे। वो निश्चित रूप से ये बीत के ऊपर जो लिखा हुआ लखान होता है इसी तरह के स्पष्ट हो रहा है। अरुण जी।